दरअसल अन्य प्रदेशों से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, जिसकी वजह से कोरोना लगातार यूपी में अपने पैर पसार रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही मजदूरों को समुचित व्यवस्था के तहत घर तक पहुंचाने की बात कही थी और थाना मुगर्रा की जाजम पट्टी पर यूपी पुलिस मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण व क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया पूरी करते ही मजदूरों को प्रवेश करा उनको गंतव्य तक छोड़ने में लगी हुई थी। लेकिन राजस्थान से मजदूर लगातार प्रवेश कर रहे थे और राजस्थान पुलिस उन मजदूरों को नहीं रोक रही थी। बताया जा रहा है कल शाम को राजस्थान सीमा पर इकट्ठे हुए मजदूरों को यूपी पुलिस ने आज भेजने का आश्वासन दिया था और उसी की व्यवस्थाओं को पूरा करने में मथुरा प्रशासन जुट गया था। तभी मजदूरों का सब्र का बांध टूट गया और राजस्थान पुलिस के लचर व्यवहार के चलते मजदूर आगे बढ़ने लगे। इसी में दो दरोगाओं सहित कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। बॉर्डर पर बवाल व पुलिसकर्मियों की घायल होने की सूचना पर तत्काल ही एसएसपी डीएम सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। फिलहाल एसएसपी मथुरा और भरतपुर एसएसपी वार्ता कर मामले का हल निकालने में लगे हुए हैं और वार्ता के बाद तय हुआ है कि अब कोई मजदूर पैदल यूपी की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धर्मेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। डीएम साहब ने अभी बताया है, कल तीन चार दिन से ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ से श्रमिकों का आदान प्रदान जारी है। इसमें मथुरा पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है। रात को कुछ इश्यू आया था, कुछ बाहर के श्रमिक थे बिहार के छत्तीसगढ़ के, जिनको के आदेश के मुताबिक नहीं जाने दिया। हमने भी अपने उच्च अधिकारियों से बात की थी और अब ये तय किया है कि ये लोग जो है वो ट्रेन से बसों से जाएंगे, तो उनको हमने अपने यहाँ ठहरा दिया है। सुबह कोई इशू हुआ था आपस में जी, तो उसको हमने बैठ के बात कर ली है और जो भी इसमें जो एयरिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जाँच। पिछले 7 और 8 तारीख को ये तय था कि जो राजस्थान से श्रमिक आएंगे उनको हम लोग उनके जनपदों को भेजेंगे। इस क्रम में 10,000 आने थे, 15,000 से अधिक श्रमिकों को हमने उत्तर प्रदेश की सीमा से उनके जनपदों को भेज दिया था और ये ऑपरेशन कल शाम को बंद हो गया था। आज सुबह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई कि बॉर्डर पे आकर के उधर के अधिक पुलिस के अधिकारियों ने, हमारे पुलिस के जो अधिकारी साथी थे, आपस में कुछ विवाद था कि बॉर्डर को खोले, जबकि बॉर्डर सील रखा गया है आदेश से। तो उसको हम लोगों ने बैठ के तय कर लिया है। उद्योग नगर के जो इंस्पेक्टर थे उनका कुछ रुख जो है थोड़ा आक्रामक या उस तरीके था, उसमें भरतपुर एसएसपी साहब ने अकॉर्डिंग टू रूल्स कार्रवाई कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, भरतपुर में तय हो गया है कि वहाँ से कोई भी लेबर या श्रमिक अब तब तक नहीं भेजेंगे जब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी और वो अपने यहाँ से जो छत्तीसगढ़ के लेबर हैं, बंगाल के हैं, बिहार के हैं, जिनको उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से प्रयास कर रहे थे और उसी को लेकर की ये चीज़ें थी, तो उनको अब अपने साधन से वो लोग भेजेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है मुझे अपने उच्च अधिकारियों से बात करके। तो वर्तमान में कोई समस्या नहीं है, मौके पे आप लोग देख रहे हैं पूरी तरह से। सर कोई घायल तो नहीं हुआ, कोई घायल वगैरह नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। उसके माध्यम से बसों से जो लोग आ रहे हैं उनकी सूची और परीक्षण होने के बाद हमारे यहाँ से एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से देखा जा रहा था कि बहुत से लोग जो स्क्रीन नहीं है या सूची नहीं है और जो ऑन फुट मूव कर रहे हैं, कहीं अकाउंट पर नहीं है, उनका मूवमेंट हो रहा था, जिस वजह से यहाँ बैरियर लगा करके उनको रोका गया था। इस बारे में अधिकारियों को भी उधर जानकारी दी गई है कि इसको रोका है। आज सुबह कुछ स्थानीय लोग और माइग्रेंट लेबर प्रार्थना के पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ पर आकर के अर्ली मॉर्निंग उन्होंने विवाद किया, कुछ उनके द्वारा बात की गई। इस बारे में हमारे द्वारा यहाँ पहुँचे देखा गया तो डीएमएसपी भरतपुर भी यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा भी ये बात माना गया कि वहाँ पर कुछ अधिकारी द्वारा कुछ गलत किया गया, उसको हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई भी कर रहे हैं। और जो माइग्रेंट लेबर का मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल चैनल से ही इसकी सूची बनेगी, उसी के माध्यम से होगा। अभी यहाँ पर शांति है, हमारा पोस्ट यहाँ पर राजस्थान पुलिस के पुलिसकर्मी यहाँ पर बैरिकेटिंग तो जिलाए, कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। देखिए, जो सुबह उधर के कुछ स्थानीय व्यक्तियों और पुलिसकर्मियों द्वारा जो हस्तक्षेप की गई है उस संबंध में ही बात आज हुई है, उसका संज्ञान